तो हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, और बाकी आप सोशल मीडिया के जरिए आपको मालूम होता रहता है कि वो मुल्क आज हमसे ज़्यादा आगे निकल गया, हमसे ज़्यादा तरक्की कर गया, उसका ग्रोथ रेट हमसे ज़्यादा है, हमसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता है, उसकी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो हमसे ज़्यादा है और हम पीछे रह गए। ये इसकी भी बहुत सी वजूहत हैं, लेकिन ये एक हकीकत है कि मगरबी पाकिस्तान का जो हिस्सा है ये उस हिस्से से अब पीछे रह गया है। अल्लाह ताला हमें भी आगे बढ़ने की और तरक्की करने की तौफीक अता फरमाए। मज़हब है जिसकी बुनियाद पर हम इकट्ठे हैं, इसलिए आज हम पंजाबी, सिंधी, बलोची, पख्तून, कश्मीरी, बल्ती, गिलगिती, इन चक्रों में हमें नहीं पढ़ना। हमें सिर्फ और सिर्फ मुसलमान और पाकिस्तानी बन के रहना है, उससे हमारा ये पाकिस्तान मजबूत होगा, तंदुरुस्त और तवाना रहेगा। दूसरे नंबर वो भी हमारे सामने आया और मुख्तलिफ किस्म के वाकयात होने लगे। तो पाकिस्तान में भी तकरीबन 1 लाख से जायद सिविलियन और फौजी जो है वो अफराद हम उस दहशतगर्दी की नज़र कर चुके हैं, कुर्बान कर चुके हैं। हज़ारों ऐसे वाकयात हो चुके हैं जिनमें दीनी मदारस, स्कूलों में, अस्पतालों में, इदारों में बहुत से धमाके हो चुके हैं। इन्हीं में एक वाकया जो था वो 2014 में 16 दिसंबर को पेश आया, जब आर्मी पब्लिक स्कूल में एक हमला किया गया, उसमें 100 से ज़ायद बच्चे वसाफ़ा शहीद हुए। उनकी शहादतें और दूसरे जो गैर फौजी अफराद हैं उनकी शहादतें, उनके बच्चों की शहादतें किसी तौर भी एक दूसरे से कम नहीं है, क्योंकि सब की जानें मुकद्दम हैं, पूरे जैसे हैं। तो उस वाक़े ने एक नई राह दी कि ज़र्ब अज़म की तरफ हम चले गए और काफ़ी हद तक हमने उसको कंट्रोल कर लिया। मौजूदा आजकल हम फिर इस दहशतगर्दी की पेट में आ चुके हैं और आप वाकया सुनते रहते हैं। ये हमारे टारगेट हैं जो हमें हासिल करने हैं, और आज हमारे हालात ये हैं कि अब गज़ा की मस्जिद में यहूदियों ने आके स्पीकर पे आके अपने तराने गाने शुरू कर दिए, और ये देख के बड़ा दिल खोलता है, खून खोलता है कि 57 मुसलमानों के होते हुए जो हमारी मस्जिद हैं वो दोबारा से वहाँ यहूदियों ने आके अपने नगमे और तराने मस्जिद के स्पीकर्स के ऊपर गाने शुरू कर दिए। तो ये भी एक लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए, लेकिन चूँकि हमारे बस में सिर्फ 2 चीज़ें थी, एक इसराइली और गैर मुल्की जो उसके ग्रामीण मुल्क हैं उनकी मसनूआत का बायकॉट कर दिया, उसमें हम काफ़ी हद तक कामयाब हो चुके हैं, और बाकी अल्लाह ताला से दुआ करनी है। हमारे पास भी जो चीज़ें हैं वो हमें करनी चाहिए, वो भी मुँह छुपाते ना करें, हमने कुछ भी नहीं किया, जो हमारे पास में था वो तो हमने किया। आवाज़ बुलंद के साथ साथ उन बच्चों के लिए, उन मजलूमीन के लिए, वो जो उस वक्त उनका सही है उनके लिए दुआएँ की। यही आज साथ साथ बहन बहन कश्मीर का भी यही है। तो अब आखिर में मैं सर मुबशर रफूल साहब से दुआ इल्तिमास करूँगा, पेश करने के बाद आपके उसी देश के तमाम जिम्मेदार को इसका स्वागत पेश करते हैं।